बच्चों गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने पिछली क्लास में फ्लावर के बारे में और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में स्टडी की थी। फ्लावर में आप लोगों ने एक पार्ट पढ़ा था स्टेमेन, और स्टेमेन में एक पार्ट था एंथर, और एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई गई थी, और उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था। उसमें आपको मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब आज हम लोग उसी पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, और उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट की प्रथम सेल होती है। माइक्रोस्पोर शेप, साइज और कलर में सभी फैमिलियों में अलग अलग तरीके का होता है। यहाँ पे हम लोग गोल आकृति वाले स्पोर की स्टडी करेंगे। गोल आकार का होने के कारण माइक्रोस्पोर की चारों तरफ दोहरी लेयर पाई जाती है। इसमें बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, एक्जाइन, और अंदर वाले मुलायम वाले को इंटाइन बोलते हैं। एक्जाइन जो होती है स्पोरोप्लोएनिन की बनी होती है, जो एक तरीके का वसीय पदार्थ है या फैटी सबस्टेंट, हाईली डीके सबस्टेंट होता है, जो इसको गलने से या बाहरी आघातों से रक्षा करने में हेल्प करता है। ये कहीं कहीं पर एक्जाइन जो होती है नहीं भी पाई जाती, और वहाँ पर स्पोरोप्लोएनिन भी अब्सेंट होता है, उसको कहते हैं हम लोग जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर से यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। आगे हम लोग पॉलन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरी है अंदर वाली मुलायम लेयर। एक्जाइन जो होती है कठोर भी होती है, एक्जाइन कठोर होती है, और इंटाइन क्या होगी, मुलायम होगी। इंटाइन जो होती है पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इंटाइन के अंदर एक ग्लैंड भरा रहता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। उसका न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस में बदल जाता है। अब ये इतनी प्रोसेस जो होती है या इतनी प्रक्रिया जो होती है, ये पॉलिनेशन की पहले पहले हो जाता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने छोटा सा फिगर बनाया है। इसमें स्टिग्मा, जो आप लोग जानते ही हो कि गाइनीशियम का एक पार्ट था स्टिग्मा, और उस स्टिग्मा के ऊपर एंथर से पॉलन ग्रेन का पहुंचना, ये प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। ये प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के पहले पहले ये प्रोसेस हो जाएगी, इसका मतलब ये कहाँ पे हो जाता है, एंथर के अंदर ही हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोर आगे तब फिर क्या होता है, जब पॉलिनेशन हो जाता है और ये स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, तो स्टिग्मा पर सरकरा पदार्थ निकलता है जो एक इंटाइन को बाहर निकलने में हेल्प करता है। इसकी एक्जाइन यहाँ पर पतली थी, कहाँ पर, जर्म पोर के पास पतली थी, उसको गला देती है, और गलाने के बाद यहाँ से इंटाइन बाहर निकलती है, और इंटाइन के बाहर निकलने से लंबी एक ट्यूब बन जाती है जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। उसके पहले पहले इसके साथ साथ होता रहता है अंदर न्यूक्लियस के साथ जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है, वो जनरेटिव न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद क्या बनाएगा, मेल गैमेट्स बनाएगा। क्या बना देगा, मेल गैमेट्स, नर युग्मक, नर युग्मक बनाएगा। तो ट्यूब न्यूक्लियस का काम क्या हो गया, माइक्रोस्पोर के अंदर या पॉलन ट्यूब के बनने में हेल्प करना, या उसके अंदर होने वाली लाइफ प्रोसेस या जैविक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण व नियमन रखने का काम करता है। कौन, ट्यूब न्यूक्लियस। और गैमीट, मेल गैमीट का काम क्या होगा, आगे चल करके ये एग से फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक, एक चीज़ याद रखिएगा कि माइक्रोस्पोर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसको याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा। 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इसी स्टेज में, मतलब ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस जब बन जाता है, तो पॉलिनेशन के बाद ये स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। और जो 40% बचते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसमें यहाँ तक
प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, मतलब मेल गैमिट का जब फॉर्मेशन हो जाता है तब पॉलिनेशन होता है। और पश्चिमी देशों में आजकल इसे एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। ये सिरप और टेबलेट्स के रूप में बाज़ार में उपलब्ध हैं। इसके अलावा पॉलन ग्रेन के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। पॉलन ग्रेन कुछ लोगों में एलर्जी उत्पन्न करता है। भारत में यातायातित जो गेहूं होता है जो बाहर से आते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में पार्थीनियम या गाजर घास आ गए जिसकी पॉलन ग्रेन जो होती हैं एलर्जी कारक होते हैं।